आईपीएल के शेर इंटरनेशनल में ढेर पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया के आगे लाचार हुई टीम इंडिया, तो फैंस ने जमकर की फसीहत। थके हुए तुम खुद हो यार, आईपीएल से खेल गया तो खेलते क्यों हो भाई तुम? खेलने का टेम्परामेंट भी हमारे कप्तान को मैं देख के हैरान हूँ। जब भी बड़ा मैच आता है रोहित शर्मा जी, T20 में भी निकल लो और टेस्ट मैच में भी निकल लो। अश्विनी इतना अच्छा बॉलर है, ठीक है, इतना मेथड लेने आते ही विकेट लेनी पहले ओवर में, वो भी तो लेफ्ट कराता ना, राइट कराता है ना, तो अश्विनी को क्यों नहीं किया सर? इमोशन यार इतनी टेंशन है, हम भी काम करते हैं, हम 2000 साथ के इधर है, हम काम करते हैं, मैच देखने आते हैं टाइम निकाल के, तो बाद में ये हार जाते हैं। कि भारत इस टेस्ट मैच को अगर जीतने के बारे में सोच रहा है, वो सपना संजो रहा है, तो बहुत ही बड़ा करिश्मा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जस्ट क्रिकेट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम बुरी तरह फ्लॉप होगी। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स ने भारतीय बॉलर्स का जनाजा निकाला, जबकि दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने भारत की आधी टीम को 150 रन के औसत पर बाहर वापस भेज दिया। भारतीय टीम की शनाखत परफॉर्मेंस के बाद भारतीय मीडिया और फैंस अपनी ही टीम के खिलाफ फट पड़े। भारतीय मीडिया और फैंस इस टीम के खिलाफ क्या कहते हैं, खुद इनकी जबान नहीं सुने। मगर उससे पहले अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैन, तो क्रिकेट की हर लेटेस्ट खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आप अपनी बेइज्जती, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी बॉस? आप 469 रन पढ़वाते हो, आप बोलते हो बैटिंग पैराडाइज है जी ये, तो उनसे पढ़वाते हो, आज आपके बॉलर थोड़ा बहुत ठीक ठाक कमबैक कर देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आप बैटिंग करने आते हो, एक घंटा था सिर्फ एक घंटा भी नहीं, पहले 40 मिनट हम बोल रहे थे कि आपने पूरे दिन में कोई विकेट नहीं देनी, आपने उसमें 30 पे 2 होके वापस आ गए, उसी के अंदर काम बेड़ा कर। अबे थके हुए तुम खुद हो यार, आईपीएल से खेल गया तो खेलते क्यों हो भाई तुम? खेलने का टेम्परामेंट भी हमारे कप्तान को मैं देख के हैरान हूँ। जब भी बड़ा मैच आता है रोहित शर्मा जी, T20 में भी निकल लो और टेस्ट मैच में भी निकल लो, अच्छी खासी बॉल टाइम हो रही है, अच्छी खासी आपने शॉट्स लगाई है अक्रॉस द लाइन जाकर, आपने पता नहीं क्या ब्रेन फेड हुआ आपका एक मोमेंट के अंदर, रन्स आ रहे थे आप टेस्ट मैच में, आप 100 बना के आ रहे हो इंडिया में, इस ग्राउंड में आपने 100 बनाया हुआ है, आपको कौन सी ऐसी, आपको क्या नहीं पता था कि आप अक्रॉस द लाइन जा रहे हो पैट कमिंस को, सीधे बल्ले से क्यों नहीं खेला आपने? और शुभमन गिल, उसको उसने 3 बॉलें वहीं पे कराई है, चौथी बॉल पता नहीं उसने क्यों छोड़ दी, इतनी बुरी तरह बोल्ड, जिस तरीके से शुभमन गिल बोल्ड हुआ है ना, पूरा का पूरा दिल दहल गया होगा हमारे ड्रेसिंग रूम का, और ऑस्ट्रेलियंस यहां पहुंच गए होंगे यार। एक बार हो गया, दो बार हो गया, 10 साल से आपके पास आईसीसी ट्रॉफी नहीं है, और इसी वजह से नहीं है ना, आपकी प्लानिंग है ना, आपका एग्जीक्यूशन है, और बड़े दिन आकर आपके हाथ पैर ऐसे फूलते हैं कि आपसे खेला नहीं जाता, एक आदमी ले जाके खड़ा रहता है, वो है विराट कोहली, जो प्रेशर हैंडल हर पूरी दुनिया का, यहां पे 1 अरब मतलब 100-150 करोड़ लोगों का पूरा प्रेशर एक ही आदमी पे डाल दो, विराट कोहली के, आ जाओ हमारी जान बचा ले, हमारे बस की नहीं है, हर बार की यही कहानी। एक सवाल जो बार बार हर बार बड़े मैच में उठता है, वो ये है कि क्या भारत आईसीसी टूर्नामेंट जीतेगा? और हम बिल्डअप भी करते हैं और हम कहते हैं कि देखिए हमारे पास ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, क्यों नहीं जीतेगा? लेकिन क्यों बार बार हम खाली हाथ लौट आते हैं? अभी टेस्ट मैच खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ 2 दिन का मैच हुआ है, 2 दिन का मतलब है 3 दिन अभी आधिकारिक तौर पर इस टेस्ट मैच में पड़े हुए हैं, अभी दोनों टीमों ने एक एक पारी खत्म नहीं की है, बट जिस तरह हालात है ये साफ है कि भारत इस टेस्ट मैच को अगर जीतने के बारे में सोच रहा है, वो सपना संजो रहा है, तो बहुत ही बड़ा करिश्मा चाहिए। इससे पहले भारतीय टीम ने करिश्मे किए हैं, बायलैटरल सीरीज में किए हैं, टेस्ट मैचेस में किए हैं, विदेशी दौरों पर किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में किए हैं, लेकिन जनाब दिक्कत यह है कि ये आईसीसी का एक बड़ा टूर्नामेंट है, उसका फाइनल है, पिछले 10 साल से तो हम करिश्माई जीत की तलाश कर रहे हैं। आईपीएल के शेर इंटरनेशनल में ढेर पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया के आगे लाचार हुई टीम इंडिया, तो फैंस ने जमकर की फसीहत। 370 गेंदों तक विकेट को तरसा भारत, स्मिथ हेड ने 6 घंटे तक रुलाया, पहले ही दिन टीम इंडिया का डब्बा हुआ गोल। स्मिथ हेड ने टीम इंडिया की भगा भगा करके कुटाई, रोहित शर्मा की एक बेवकूफी के कारण पहले ही दिन भारत की हाथों से फिसला मुकाबला। आज पिच तो ठीक सी, आज नहीं बैटिंग हुई, बैटिंग ही नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? उसने बॉल छोड़ दी यार, हम पागल है,